पूड़ियाँ तो आपने बहुत तरह से खाई होंगी और बहुत तरह से बनाई भी होंगी, पर मैंने भी आपको बहुत सारी पूड़ियाँ बनाना बताई हैं, बहुत सारी वीडियो पे डाली हुई है पूड़ियों को, आपने देखी भी होंगी उम्मीद करती हूँ। तो इस तरीके की ये एक सीक्रेट पूड़ी है जिसमें मैंने बहुत ही सीक्रेट चीज़ डाली है, शायद वो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं डाली होगी, ना ही देखा होगा इस तरीके की पूड़ी में डालते हुए। और ये पूड़ी इतनी टेस्टी बनती है ये सीक्रेट चीज़ से, इतनी फूली फूली और गुब्बारे जैसी ये हमारी पूड़ी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है, तो ये बारीक वाली सूजी है, आपके पास बारीक हो या मोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही हमें पानी लेना है, और उतना ही पानी डाल के हम इसे सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे यहाँ इसे सूजी भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं। और एक बात और मैं बताना भूल गई, तो इसमें पानी जो डालना है वो हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है, हल्का सा गर्म पानी डालना है। तो मैंने मिक्स कर लिया, अब इसे रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के रख देते हैं। तो चलिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं हमारी सूजी का क्या हाल चाल है। तो ये देखिए हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट सी हमारी सूजी हो चुकी है। तो अब क्या करना है, चलिए अब इसमें थोड़े से स्पाइसी मसाले डालते हैं, क्योंकि ये हमें पूरी बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनानी है। तो मैंने इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है यानी कि चिली फ्लेक्स डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है 1 चम्मच। और ये थोड़ी सी अजवाइन ली थी जो मैंने हाथों से मैश करके इसे डाल दिया है, और 1 कटोरी भरकर मैंने इसमें फ्रेश हरा धनिया डाला था, और इन सबको अच्छे से वेल कम्बाइंड कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से वेल कम्बाइंड हो गया है, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब क्या करना है, अब इसमें एक बहुत ही सीक्रेट सी चीज़ डालेंगे। तो पहले इसमें मैंने आटा डाल लेना है। जी हाँ, हम पूड़ी बना रहे हैं तो आटे से ही डालेंगे ना, तो मैं आटे से ही पूड़ी बना रही हूँ, आप चाहें तो मैदे से भी बना लेते हैं। तो मैंने 2 कटोरी भर का आटा लिया, जिससे मैंने सूजी नापी थी ना उसी से मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। तो अब ये हमारी एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ आ गई, ये है केला। जी हाँ, कच्चा केला है, मैंने इसे 2 सीटी लगाकर इसे बॉयल कर लिया था। तो बॉयल करने के बाद में मैंने इसे अच्छे से छील लिया है। देखिए ये हमारा बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, और ये डालने से हमारी पूड़ी इतनी सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रेटर से, छोटे वाला ग्रेटर है ना, जो इसे इस तरीके से देखिए ग्रेट कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स और गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी पूड़ियाँ फूली फूली नहीं रहेंगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अब हम इसे अपनी पूड़ियों में मिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमारी पूड़ियाँ इतनी सॉफ्ट बनेंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी अंदर से, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगी, और बहुत ही टेस्टी भी लाजवाब आएगा। अगर आपके पास केले ना हो तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें आलू की पूड़ियाँ मैंने आपको कई बार बताई हैं। तो ये मेरी सीक्रेट चीज़ थी केले की, और केले से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अलग ही इसका फ्लेवर आएगा पूड़ियों में। तो ये देखिए मैंने इसमें इसी तरीके से मैश कर लिया है, मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो सिर्फ मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप ही पानी डाला था। और पानी डाल के अच्छे से देखिए इसका डो बना लिया है, और इसमें मैंने थोड़े से वाइट वाले तेल डाल लिए हैं, ये मैंने बहुत पसंद करते हैं बच्चे, तो मैंने इसलिए डाल दिया, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर घी ले लिया। जी हाँ, मैंने इसमें घी डाला है, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे घी डाल के अच्छे से बहुत ही अच्छे से मैश करना है, बहुत ही अच्छे से इसे मैं आटा लगाती हूँ, जैसे आटा गूंथते हैं ना उसे बहुत अच्छे से मैश करना है, खूब अच्छा सा चिकना कर लेना है। जब तक इसे मैश करना है, जब तक ये चिकना सा सॉफ्ट सा डो ना हो जाए, जब तक हमें इसे मैश करते रहना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो गया, तो मैं इसे अभी 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। और ये देखिए 5 मिनट के बाद में हमारा बहुत ही अच्छा सेट हो गया, तो एक बार मैं इसे और अच्छे से मैश कर लूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा और चिकना सा डो हो गया। तो अब मैंने इसे क्या करना है, अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। जी हाँ, इतनी बड़ी लोई बना लूँगी जितनी बड़ी आपको पूरी पसंद हो। तो मैं नींबू के साइज़ की ये देखिए इस तरीके से लोइयाँ काट ले रही हूँ, काट के रख ली हैं देखिए मैं। और जितनी हमें पूरी बनानी है सिर्फ हमें उतनी ही रोटियों को, पूड़ियों को बेल के रखना है, वरना ये फिर थोड़ी सी टाइट टाइट सी हो जाएंगी। तो हमें जब बनाना है बस जब ही आप बनाएंगे बेलेंगे और तभी हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पटे पर थोड़ा सा जो है घी लगा दिया था, नीचे ही ऑयल लगा देंगे, जिससे हमें पूड़ी हमारी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, और इसमें आटे का डस्ट बिल्कुल भी मत लगाना, वरना आपका तेल भी सारा ख़राब हो जाएगा और पूड़ी भी हमारी सूखी सूखी सी बनेगी। तो हमें बिल्कुल भी पूड़ी में आटा नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा ऑयल ही लगा के इसे बेल लेना है। अब मैंने
ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है कढ़ाई में और इसे देखिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए ऑयल को इस तरीके से ऊपर को डालते जाएंगे, हमें पूरी को ज़्यादा नहीं टच करना है, बस हमें ऑयल को साइडों से इस तरीके से डालते जाएंगे और पूरी हमारी बहुत ही अच्छी सी फूलती चली जाएगी। देखिए गुब्बारे जैसी फूलती चली जा रही है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, तो हमारी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर किया करिए और अच्छा सा एक कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। तो देखिए हमारी ये फूली फूली सी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं और देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छा सा कलर और बहुत ही टेस्टी ये पूड़ी बनकर तैयार हुई हैं। तो इसे आप चाइनीज़ के भी साथ खाएं, आप या आप किसी के साथ भी नहीं खाएं, अचार के साथ खाना चाहें तो अचार के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद ही इतना अच्छा सा फ्लेवर है, थोड़ा सा चटपटा भी है, थोड़ा सा फीका भी है, नमक भी है और ये बहुत ही टेस्टी बन जाती हैं। तो आप इसे चाहे सफ़र पर ले जा सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती है। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी और एकदम खस्ता पूड़ी बनी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए कितनी खस्ता बनी हुई है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि एक हाथ से मैं कैमरा पकड़े हुई हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको एक हाथ से ही तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनी है। तो लो आप लोग भी जाइए ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो हम वाले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।